नमस्कार, आइए आज हम बनाएंगे भरमा करेले, जिसके लिए मैंने ये चार या पांच प्याज लगेंगे आपको, मीडियम साइज़ के चॉप कर लीजिए बारीक, क्योंकि करेले में प्याज बहुत अच्छा लगता है। और मसाले में ये मसाले बहुत ज़रूरी हैं, 4 स्पून मैंने ये दरदरा धनिया, 3 स्पून दरदरी सौंफ और 2 स्पून अमचूर पिसा और 1/4 स्पून हींग लिए। ये मसाले करेले में बहुत ज़रूरी होते हैं, इसी से उनमें बहुत ज़्यादा टेस्ट अच्छा आता है। अब हम इन करेलों को, मैंने ये धो के अच्छे से साफ़ कर लिए हैं, बहुत अच्छे से धो लीजिए क्योंकि हम छिकल भी यूज़ करेंगे। सभी करेलों को हम इस तरह से छीलेंगे, सभी छिकल निकाल लेंगे हम चारों तरफ से, इस तरह से छील लीजिएगा पहले, क्योंकि छिकल हम फेंकेंगे नहीं। अब हम इसको, करेला छिल चुका है, कट लगाएंगे और ये सभी बीज निकाल देंगे। बीज को साइड में रखते जाइए, सभी करेलों को इस तरह से ही कट लगा के छील लीजिए। ये देखिए करेले तैयार हैं। अब चाहे तो आप इन्हें एक बार वॉश कर लीजिए, क्योंकि हम फिर बाद में वॉश नहीं करेंगे। और ये लाल बीज हम यूज़ नहीं करेंगे, लेकिन वाइट बीज, हम सारे वाइट बीज हम यूज़ करेंगे। ये मैंने 3 चम्मच तेल लिया है सरसों का और 1/4 चम्मच हल्दी मिलाई है इसमें। हम सभी करेलों में अंदर बाहर चारों तरफ लगा लेंगे। नमक यूज़ नहीं कर रहे हैं हम, क्योंकि नमक लगाने से करेले में बहुत ज़्यादा नमक हो जाता है। और मैं हमेशा इसी विधि से बनाती हूँ, आप भी बना के देखिए, बहुत टेस्टी और मीठे करेले बनते हैं, बिल्कुल नहीं कड़वाते। सभी करेले में हल्दी और सरसों का तेल इस तरह से लगा लीजिए। आप किसी ऑयल में बना और दूसरे ऑयल में बनाते हैं वो भी लगा सकते हैं। मैंने सरसों का ऑयल यूज़ किया है। अब इसको छिकल में डाल देंगे, बाकी तेल और हल्दी को हम छिकल में भी अच्छे से मिला के रख दीजिए। अब हम कढ़ाई में सरसों का तेल डालेंगे और इसमें जब ये गर्म हो जाएगा तो पिसा दाना मेथी। मैं हमेशा दाना मेथी पीस कर यूज़ करती हूँ। इसको थोड़ा सा भून लीजिए, जब ये भुन जाए तब हम इसमें प्याज डालेंगे बारीक कटा हुआ। प्याज को हमें ज़्यादा नहीं भूनना है, मीडियम भूनेंगे हम, क्योंकि बहुत भुना प्याज हम यूज़ नहीं करेंगे मसाले में। ये देखिए प्याज, बस हमें इतना ही भूनना है। अब हम इसमें ये सभी मसाले मिक्स कर देंगे, सौंफ, धनिया, अमचूर, हींग, इन सभी को मिक्स करके हम हल्का सा इन्हें भी भूनेंगे। इन सबको भून लीजिए, बहुत हल्का सा भूनना है, करीब आधा मिनट। अब हम इसमें और मसाले ऐड करेंगे, हल्दी पाउडर, गरम मसाला, पिसा गरम मसाला, नमक स्वाद के अनुसार, लाल मिर्च, ये थोड़ी दरदरी लाल मिर्च यूज़ कर रही हूँ मैं पिसी हुई, ये भी अपने आप स्वाद के अनुसार यूज़ करिए। इन सभी चीज़ों को भी हम भूनेंगे, बहुत हल्का सा भूनना है, ज़्यादा नहीं। ये करेले और छिकल तैयार हैं, तो इसमें से हम छिकल निकाल के मसाले में डाल देंगे सारे, जो हमने हल्दी और सरसों का तेल लगा के रखे थे। सभी मसाले में इनको मिला दीजिए और अब हम इन्हें करीब 1 मिनट धीमी आंच पे पकाएंगे। इसको ढक दीजिए। ये छिकल और मसाला जब इस तरह से भुन जाए, अब हम बस इसमें डालेंगे बेसन। ये मैं 5 चम्मच बेसन लिया है, इसको सब तरफ मसाले में फैला के खूब अच्छे से मिला दीजिए। इसको हमें ज़्यादा नहीं भूनना है, करीब बस 1 मिनट हम चलाएंगे अच्छे से, इसमें मसाला मिल जाए, ताकि सभी तरह से उसी में बेसन जो पक जाए, बाकी बेसन जो अच्छे से पकेगा वो करेले के साथ पकेगा। ये देखिए मसाला बनके तैयार है। अब मसाला ठंडा हो चुका है, हम सभी करेलों में इस मसाले को भरेंगे। आप चम्मच या हाथ की सहायता से इसे भर सकते हैं।
तरह से अच्छे से सभी करेलों में मसाला भर दीजिए। ये करेले बहुत ही टेस्टी बनते हैं और इनमें कोई ज़्यादा मसाले भी यूज़ नहीं किए हैं हमने, सिर्फ प्याज बेसन और सिंपल मसालों से ये बहुत टेस्टी बन जाते हैं। ना हमने छिक्कल फेंके हैं और ना ही वाइट बीज फेंके हैं। ये देखिए सब मसाले भरकर तैयार हैं करेले। अब हम इन्हें फ्राई करेंगे। फ्राई करने के लिए भी हम सरसों का ऑयल यूज़ करेंगे। ये बचा हुआ जो मसाला है हम इसको अलग निकाल के रख देते हैं। बहुत कम तेल में हम फ्राई करेंगे। मैं सरसों का ऑयल ले रही हूँ। ये देखिए कितने कम ऑयल में हम करेले फ्राई कर लेंगे। जब तेल गर्म हो जाए सभी करेलों को इस तरह से जमा दीजिए और आँच धीमी रखिए, क्योंकि मीडियम फ्लेम भी नहीं, थोड़ी और धीमी आँच पे भी पकाएंगे आप तो ये करेले बहुत अच्छे बनेंगे और अच्छे से गल जाएंगे। सभी करेलों को जमा के हम फ्लेम लो करके इसको करीब एक मिनट के लिए ढक देंगे। बीच बीच में चेक करते रहिए, करेलों को पलटते रहिए। ये देखिए मैं पलट रही हूँ इस तरह से, जहाँ जहाँ से करेले सिक जाएं उसको घुमा घुमा के पलट दीजिए। इस तरह से करेले भुनते भी जाएंगे, गलते भी जाएंगे। अब हम फिर वापस ढक देंगे। बीच बीच में चेक जरूर करिए, एक मिनट से ज़्यादा देर मत पकने दीजिए, नहीं जल जाएंगे करेले। अब हम वापस चेक करेंगे, करेले सब तरफ से भुन चुके हैं। ये देखिए मैं आपको पलट के दिखाती हूँ, सभी करेले भुन के और गल के तैयार हैं। अब हम इसमें जो बचा हुआ मसाला है वो ऐड करेंगे। ये देखिए कितने क्रिस्पी बने हैं। ये जो ऑयल है आप इसे अलग भी कर सकते हैं, निकाल दीजिए अगर आपको यूज़ नहीं करना है, पर मैं यूज़ कर रही हूँ। मैं इसी में जो मसाला बचा हुआ था वो मिला दूंगी, आप चाहें तो ऑयल को निकाल दीजिए। इस तरह से सब तरफ मसाले को करेलों के साथ मिला दीजिए और वापस थोड़ी सी देर, सिर्फ 30 सेकंड रखना है हमें। ये देखिए बन के तैयार है भरवा करेले। इसको आप ठंडी पूड़ी या ठंडे पराठे से खाइए, बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो आप भी बनाइए और सबको खिलाइए। और अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।